कितना है बिजनेस न्यूज 24 डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर। पुर बाजार में मंगलवार सुबह 7 बजे आजमगढ़ से अंबेडकर नगर की तरफ बस जा रही थी, उसी समय फैजाबाद के तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक बुरी तरह घायल हो गया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के लिए कोयलसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। चालक का पता समाचार लिखे जाने तक नहीं चल पाया है। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज बुढ़नपुर मिथिलेश तिवारी महफोस मौके पर पहुंच गए। दूसरी खबर, बुढ़नपुर आजमगढ़ बुढ़नपुर क्षेत्र में बने होम क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आए हुए लोगों को शासन की तरफ से एक हफ्ते का राशन दिया जा रहा है। वहीं लोगों को मेडिकल परीक्षण के बाद होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई। वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई है। लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस मौके पर लेखपाल कमलेश चंद्र सरोज, अरविंद पांडे, चंद्रशेखर यादव, अरविंद तिवारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। GGS News 24 बुढ़नपुर तहसील ब्यूरो संतोष मिश्र की रिपोर्ट। जैसे महाराष्ट्र या अदर स्टेटों से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इनको तरतीबवार करके बढ़िया प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके इनको 21 दिन होम क्वारंटाइन के लिए छोड़ा जाता है, और होम क्वारंटाइन के दौरान इनको राशन 31 किलो राशन है, आलू है, ये सब दे के ताकि ये लोग अपने घर में रहें और बाहर ना जाएं, ताकि कोरोना COVID-19 को मेंटेन किया जा सके और इसे प्रभावित होने से बचाया जा सके। दूरे रहा भैया, कहाँ के लोग छाड़ दिया आपने? साढ़े बार कहाँ हैं? कौन जरूरी साढ़े बार? साइड से साइड से दांत खेले हो, वीडियो बनाओ क्या? देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।